त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग जो है कैसे परिभाषित करते हैं कि कुछ वैल्यूज निकालने के लिए यानी कुछ मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एकांक त्रिज्या का एक जो है वृत्त हम लोग कंसीडर करते हैं कि जिसकी त्रिज्या क्या हो, एक इकाई हो, और वृत्त के केंद्र को हम लोग क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारा निगेटिव वाई एक्सिस। तो अब किसी पॉइंट पी, पॉइंट पी हम लोग यहाँ से जो है इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये 90 हो जाता है, और ये हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्स रेडियन है। तो ये लेंथ अगर ए हो तो पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ए होगा, और ये लेंथ अगर बी हो तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, बी, और ये कितना है, 1 यूनिट। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोगों का जो साइन थीटा परिभाषित है, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो अगर इस ट्रेंगिल ओ पी क्यू में हम लोग देखें तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्रेंगिल ओ पी, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, ओ पी ए कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा हमारा क्या होगा, आधार, आधार हमारा क्या है ए, और कर्ण हमारा क्या है, 1। तो यहाँ से हमारा जो आ गया कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए, यानी पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जैसे जैसे ट्रेंगिल हमारा अलग अलग चेंज होगा अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए, कॉस एक्स हमारा क्या होगा, वो ए की वैल्यू कॉस एक्स देगी, और साइन एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब हमारा बी है, कर्ण 1 है, तो साइन एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये हमारा क्या बता रहा है, कॉस एक्स, और जो वाई कोऑर्डिनेट है ये हमारा क्या बता रहा है, साइन एक्स की वैल्यू। तो अलग अलग जो है एक्स एंगल की वैल्यू अलग अलग जाएगी, तो ये हमारा जो है कर्ण तो चेंज होगा नहीं अगर ये पॉइंट हमारा इसी सर्किल पे रहेगा, तो यहाँ से जो अगर हम लोग जो है ड्रा करें तो ये दूसरा त्रिभुज बन जाएगा, इसके लिए एंगल इतना होगा, ये पॉइंट पी यहाँ चला गया। तो ये देखिए ये त्रिभुज हम लोग हमने इसलिए बनाया है कि ये लगभग इसमें लगभग कोण क्या हो गया, 90 हो गया, लगभग 90 पे तो त्रिभुज बनेगा नहीं, लेकिन 90 लगभग होने पे क्या हो जाएगा, हमारा ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमारा 1 यूनिट होगा, क्योंकि ये लेंथ हमारा क्या है, 1 यूनिट है। फिर अब हम लोग देखिए जब हमारा ये घूम के यहाँ पहुंच गया, तो इसको जब हम लोग यहाँ से मिलाएं, इसको यहाँ से और यहाँ हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये ट्रेंगल हमारा कौन सा बन रहा है, ये ट्रेंगल बन रहा है जिसमें एंगल क्या है, लगभग 180, 180 एग्जैक्टली पे तो इसी पे आ जाएगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 180 पे क्या हो रहा है, 180 पे हमारा ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, -1, और वाई एक्सिस पे 0, और ऐसे हमारा यहाँ पे एक ट्रेंगल बना लेते हैं, ये हमारा हो गया कर्ण, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, तो ये हमारा किस में होगा, ये एंगल हमारा क्या हो गया, लगभग 270, और यहाँ एक बनेगा जिसमें लगभग हमारा क्या होगा, ये एंगल मान लेते हैं कि 2π, 2π पे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। तो इससे हम लोगों ने जो है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कॉस एक्स होगा, और यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो साइन एक्स होगा, और थीटा क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पॉइंट पी हमारा कब यहाँ पहुंचेगा, जब थीटा क्या हो, π/2। तो यहाँ से हम लोग देखते थे कि जब कुछ वैल्यूज हम लोग निकाले थे, जब जब थीटा बराबर π/2 होता है, π/2 रेडियन, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1, और जब थीटा बराबर पाई रेडियन होता है यहाँ पे, तो यानी कॉस पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, -1, और साइन पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है, π/2, ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे ये 2π/3, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ का 0 और वाई कोऑर्डिनेट -1। तो जब थीटा बराबर 2π/3, तो कॉस 2π/3 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 0, और साइन
टू पाई बाई थ्री की वैल्यू -1, क्योंकि वाई लेंथ क्या है, नेगेटिव होगा। ऐसे यहाँ पे टू पाई पे हमारा होगा, जब थीटा बराबर टू पाई होगा तो हमारा ये लगभग जो है रफली इस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। ये तो हम लोग बना रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे टू पाई, तभी तो ये एंगल टू पाई होगा। तो हमारा इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये कुछ वैल्यूज है जो हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिए तो डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा हो जाता है, और फिर साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस दो वैल्यू हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं, साइन और कॉस पे। तो ये हमारा हो गया कब, जब ये थीटा हमारा क्या है पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू, अच्छा जीरो पे हमारा, जीरो पे यही होगा, यानी एक पॉइंट हम लोग और लिख लेते हैं, जब थीटा जीरो होगा तो जीरो पे हमारा ये ट्रायंगल बनेगा, ये पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 है, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो गई 1 और साइन जीरो की वैल्यू 0 हो गई। तो ये कुछ वैल्यूज हम लोगों ने जो है ये इस तरीके से निकाल लिया, कौन कौन से वैल्यूज के लिए, 0, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3 और 2 पाई के लिए, ये चार जो है हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया साइन कॉस की वैल्यू। बाकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 10th क्लास में, और जो है इसके पिछले वाले लेक्चर में भी हम लोग ये कर चुके हैं। तो कुछ वैल्यूज हम लोगों को जो है क्या हो गई, मिल गई। अब हम जो है चलिए जो पुरानी वैल्यूज है उसका भी एक चार्ट हम लोग बना लेते हैं रेडियन में। उससे पहले अब हम लोग एक पॉइंट और देखेंगे कि अब हमको एक पॉइंट ये देखना है कि पहला बात तो ये समझ में आया हम लोगों को कि जो एंगल होगा ट्रायंगल का वो कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 360 और 360 से ज्यादा भी बनेगा कोण। देखिए कैसे बनेगा, जब एक राउंड से ज्यादा हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, एंगल 360 प्लस हो जाएगा। ये देखिए सिंपली, ये सपोज ये हमारा पॉइंट P है, यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये हमारा ओरिजिन है और ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट A कामा B है, ये लेंथ हमारा A है और ये लेंथ हमारा B है। अब ये एंगल हम लोगों ने क्या देखा था, x रेडियन। अब जैसे जैसे हमारा एंगल घटता बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा क्या हो जाता है, ये ट्रायंगल चेंज हो जाता है, लेकिन जो कर्ण की लंबाई रहती है वो हमेशा क्या रहती है, 1 ही रहती है। लगभग 90 के क्लोज में हमने एक जो है ट्रायंगल बना दिया, ये 90, और जब 180 होगा तो लगभग एक ट्रायंगल बना दिया ये, तो ये हमारा क्या हो गया एंगल लगभग 90, और ये एंगल हमारा क्या हो गया 180। ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल हमारा बनेगा, यहाँ पे जब ट्रायंगल बनेगा तो ये एंगल लगभग कितना हो जाएगा, यहाँ से लंब ड्रा करेंगे 270 हो जाएगा, और यहाँ पे जब ट्रायंगल बनेगा तो लगभग हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक, तो सारी वैल्यू निकाल ले। अब हमको एक पॉइंट ये देखना है कि ये x रेडियन के लिए कोई वैल्यू हमको पता है, x रेडियन के लिए cos x हमारा x कोऑर्डिनेट और sin x हमारा पता है, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में x रेडियन एंगल के लिए cos थीटा और sin थीटा यानी cos x और sin x की वैल्यू पता है। अब अगर हम लोग इसमें x प्लस 2 पाई की वैल्यू निकालें, x प्लस 2 पाई यानी x जितना एंगल चले और उसमें 2 पाई यानी एक पूरा चक्कर हम लोग और घूम ले। x प्लस 2 पाई का मतलब क्या हो गया कि एंगल x और प्लस एक चक्कर, और क्योंकि 2 पाई चलने पर कितना चलना पड़ता है, एक चक्कर, तो ये हमारा हो गया x प्लस 2 पाई एंगल के लिए हम लोग निकालना चाहते हैं। तो x एंगल चल के यहाँ पहुंचे तो x में अगर हम लोग 2 पाई और चलेंगे तो यहाँ जहां से चलना शुरू किए वहीं पे घूम पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो कितना हो जाता है 2 पाई। तो यहाँ से एंगल नापना शुरू हुआ, इतना चले x हो गया, फिर यहाँ से घूम के इसी पॉइंट पे पहुंच गए तो 2 पाई और जुड़ गया, तो 2 पाई प्लस x पे हम लोग कहाँ पहुंच जा रहे हैं, दोबारा फिर उसी x पे पहुंच जा रहे हैं। ये बात जो है आपको
अलग से फिगर में देख लीजिए, ये हमारा जो है एक्स एंगल है, एक्स रेडियन है, ये हमारा पॉइंट पी है ये। अब हम लोग चाहते हैं कि एक्स प्लस टू पाई, तो यहाँ से तो एंगल नापेंगे, ये एक्स एंगल चल रही है, अब टू पाई इसमें और जोड़ना है, तो यहाँ से टू पाई घूमने का मतलब वहीं पे फिर पहुंचे तो टू पाई, तो एक्स प्लस टू पाई पे फिर आप कहाँ पहुंच जा रहे हैं, पी पे, यानी जो साइन एक्स या कॉस एक्स की वैल्यू होती है वही हमारा क्या हो जाता है, एक्स प्लस टू पाई की वैल्यू भी होती है, क्योंकि ट्रेंगल हमारा सेम बन जाता है, तो इसका कोऑर्डिनेट ए काम अभी हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा, यानी एक्स प्लस टू पाई हो, या देखिए एक्स प्लस फोर पाई, एक्स प्लस फोर पाई का मतलब कि यहाँ से हम लोग एंगल मेजर करेंगे, तो ये हम एक्स रेडियन ऑलरेडी है, अब इसमें हम लोग एक्स रेडियन यहाँ से चलना शुरू किए, एक्स हो गया, अब इसमें हम लोग टू पाई जोड़ना चाहते हैं, तो टू पाई का मतलब यहाँ से चल के एक चक्कर और पूरा कर दो, तो ये क्या हो गया एक्स प्लस टू पाई, अब फिर एक्स प्लस फोर पाई करने के लिए इसमें एक चक्कर और कर दो, तो फिर वहीं पे पहुंच गए, तो ये पूरा एंगल हमारा क्या हो गया एक्स प्लस फोर पाई, यानी एक्स प्लस टू पाई, एक्स प्लस फोर पाई, एक्स प्लस अगर सिक्स पाई होगा, एक्स प्लस सिक्स पाई तब भी हम क्या करेंगे वहीं पहुंच जाएंगे, एक्स प्लस एट पाई होगा तब भी वहीं पहुंच जाएंगे, यानी एक्स प्लस टू पाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, यानी टू पाई के गुणज से अगर हमारा एक्स में जो है घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, अगर एक्स से हम लोग ऐसा करें कि टू पाई घटा दें, यानी एक्स एंगल हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे पहुंच गए एक्स एंगल घटाने वाला, देखिए कि ये हमारा पॉइंट पी है और ये हमारा एंगल है एक्स, यहाँ पे पहुंचे तो हमारे पास कितना एंगल है एक्स, इससे हम टू पाई घटाना चाहते हैं, तो टू पाई माइनस करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से माइनस की दिशा में एक पूरा चक्कर लगा दें, तो माइनस की दिशा में एक पूरा चक्कर लगा के यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये जो एंगल हमारा होगा ये क्या होगा एक्स माइनस टू पाई, यानी एक्स माइनस फोर पाई करने का मतलब कि एक चक्कर यहाँ पहुंचे एक्स माइनस टू पाई हुआ, फिर एक चक्कर लगा दिए हम लोग, तो क्या हो गया एक्स माइनस फोर पाई, ठीक है, यानी एक्स प्लस टू पाई हो या एक्स माइनस टू पाई हो, यानी टू पाई बढ़े या फोर पाई बढ़े या सिक्स पाई, अच्छा थ्री पाई पे ये नहीं होगा, थ्री पाई वाला हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि एक्स प्लस थ्री पाई पे हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, एक्स प्लस थ्री पाई पे हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, एक्स पे हम लोग यहाँ हैं जब एक्स रेडियन है, अच्छा एक चक्कर हमारा पूरा क्या होगा एक्स प्लस टू पाई हो गया, अब टू पाई में हम लोग जो है पाई और जोड़े, पाई हमारा क्या होगा यहां से चलना शुरू करें और जस्ट अपोजिट पहुंच जाए यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होगा एक्स प्लस थ्री पाई, तो एक्स प्लस थ्री पाई पे हम लोग जो है यहाँ पहुंच जाते हैं इस पॉइंट पे, जो हमारा सेम ट्रेंगल नहीं बना रहा है, ये हमारा ट्रेंगल अलग बना रहा है, इसीलिए एक्स प्लस पाई या एक्स प्लस टू पाई या एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस पाई या एक्स प्लस थ्री पाई या एक्स प्लस फाइव पाई की वैल्यू सेम नहीं होगी, लेकिन अगर हमारा जो है वो एक्स प्लस टू पाई की वैल्यू हो या एक्स माइनस टू पाई की वैल्यू, यानी टू पाई के गुणज में घटे या बढ़े, तो हमारे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या एक कॉन्सेप्ट पता चला कि कोण कोण एक्स में टू पाई के गुणज, टू पाई के गुणज का मतलब क्या हो गया, या तो टू पाई या फोर पाई, थ्री पाई टू पाई का गुणज नहीं है, क्योंकि टू पाई एक से गुणा करेंगे टू पाई, दो से गुणा करेंगे फोर पाई, सिक्स पाई एट पाई, यानी कोण एक्स में टू पाई के गुणज में कमी या वृद्धि होने पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान में परिवर्तन नहीं होता, और ये हमको समझ में आ रहा है क्यों नहीं होता, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसी सेम त्रिभुज पे घूम के पहुंच जाते, ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट पता चला भैया, कि अगर टू पाई जोड़ोगे या घटाओगे किसी एंगल में तो जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन एक्स की वैल्यू होगी वही साइन एक्स प्लस टू पाई की वैल्यू होगी, अगर इसको मैथमेटिकली लिखा जाए कि साइन
एक्स की जो वैल्यू होगी वही साइन एक्स प्लस टू पाई की वैल्यू होगी, वही हमारी क्या होगी साइन एक्स प्लस फोर पाई की वैल्यू होगी, वही हमारा क्या हो गया साइन एक्स प्लस सिक्स पाई की वैल्यू होगी। तो इसको अब हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखें, टू पाई के गुणज, यानी यहां पे अगर हम लोग सीधा सीधा लिखें कि साइन एक्स को प्लस टू पाई का गुणज, टू पाई का गुणज हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है सीधा सीधा साइन एक्स हो जाती है, यानी चाहे टू पाई का गुणज जुड़े चाहे टू पाई का गुणज घटे। तो इसको मैथमेटिकली अगर लिखना हो हम लोग को, तो ऐसे बार बार तो बोलेंगे नहीं कि एक्स प्लस टू पाई, एक्स प्लस फोर पाई, एक्स प्लस सिक्स पाई, तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ जो है ये सारे आ जाएं, यानी हमारे ये जैसे साइन एक्स माइनस टू पाई भी आ जाए, साइन एक्स प्लस टू पाई भी आ जाए, साइन एक्स प्लस फोर पाई भी आ जाए, साइन एक्स माइनस फोर पाई भी आ जाए, ऐसे ऐसे सारे वैल्यूज आ जाए, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली जनरल तरीका लिखना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग एक लिख रहे हैं साइन एक्स एक्स प्लस टू एन पाई, या ऐसे बोले साइन टू एन पाई प्लस एक्स, ठीक है। ये टू एन पाई क्या हो गया हमारा, टू पाई को एन से हम लोग क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो टू पाई का अगर एन की वैल्यू इंटीजर होगी यानी पूर्णांक होगी तो ये हमारा क्या हो गया टू पाई एन को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एन की वैल्यू पूर्णांक होगी तो टू पाई एन हम लोग क्या बोलेंगे टू पाई का गुणज होगा, टू पाई का गुणज होगा, क्योंकि टू पाई अगर एन की वैल्यू पूर्णांक यानी जीरो माइनस वन वन टू थ्री ये सब पूर्णांक वैल्यू रखेंगे तो टू पाई एन क्या होगा ये गुणज होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन एक्स के बराबर हो जाएगी। लेकिन हमको यहाँ बताना पड़ेगा कि एन क्या है, जहां एन क्या है, जहां एन बिलोंग टू जेड, जेड क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर यानी पूर्णांकों का समुच्चय, जेड हमारा क्या होता है पूर्णांकों का समुच्चय, अगर हिंदी में बोले तो पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक हमारा क्या होता है ये जैसे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे जीरो वन टू थ्री ऐसे ऐसे इधर बढ़ता चला जाता है, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स ऐसे इधर बढ़ता चला गया, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे बढ़ता चला गया। तो अब ये हमारा मैथमेटिकली जो है क्लियर हुआ, अब हम लोग इसको लिखते हैं कि साइन टू एन पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जहाँ एन हमारा क्या है इंटीजर है, ये हम लोगों का क्या मिल गया एक टाइप से फार्मूला मिल गया। लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, ये इसका मतलब क्या है ये हम लोग रटने की बजाय पूरा समझ लिए, इसका मतलब कि किसी भी एंगल में एक्स में टू पाई का गुणज अगर जोड़ोगे आप तो घूम के फिर उसी ट्रेंगल पे पहुंच जाओगे जो एक्स रेडियन चलने पे मिला था, तो वैल्यूज जो होगी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सेम होगी, तो साइन टू एन पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यही हाल कास के लिए भी होगा कि कास के लिए कुछ और होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कास टू एन पाई प्लस एक्स की वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इसको पढ़ा जाता है जहां जहां एन क्या है हमारा इंटीजर है, पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांकों का समुच्चय यहाँ पे लिख दिया है, तो ये मैथमेटिकल तरीका है यही बात कहने का, ये हमारा क्या है मैथमेटिकल तरीका है यही बात कहने का कि भैया किसी एंगल एक्स में टू पाई का गुणज जोड़ने पर वैल्यू साइन एक्स की ही रहती है, तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब ये हमारा क्लियर हो गया कि साइन टू एन पाई प्लस एक्स इक्वल टू, अब इसमें प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, अगर एन की वैल्यू, एन की वैल्यू देखिए एन की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, एन की वैल्यू जीरो पुट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन जीरो प्लस एक्स हो जाएगा, एन की वैल्यू वन पुट करें तो ये क्या हो जाएगा साइन एन की वैल्यू वन तो ये टू पाई प्लस एक्स हो जाएगा,
एन की वैल्यू टू पुट करें तो ये साइन 4π+x हो जाएगा, और यही तो हम लोग देखे थे कि 2π+x की वैल्यू 4π+x, एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 6π+x, अब एन की वैल्यू -1 अगर पुट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस, यहाँ पे पुट करते हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 पुट करें -2π, ये भी होता है, एन की वैल्यू -2 पुट करें तो साइन एक्स -4π, तो यही तो हम लोग जानते हैं ये सारे वैल्यूज क्या होते हैं साइन एक्स के बराबर होते हैं, यही तो ये सारे एन की वैल्यू ऐसे ऐसे आप बदलते जाएंगे पूर्णांकों में तो सारे जो है वैल्यूज इसमें आ जाएंगे, तो ये पॉइंट हम लोगों को समझ में आया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला जो है ये मैथमेटिकल तरीका लिखने का है, कहाँ से आया ये हमको पूरा समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम लोग जो है अपना वो एक फिगर जो है जो हम लोगों ने बनाया था एकांक वृत्त वाला, ये हम लोग फिर से बना लेते हैं। सिंपल सा ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस हो जाता है, और ये कोई पॉइंट पी हो जाता है, और पी को हम लोग यहाँ ओरिजिन से मिला देते हैं, इसका 1 यूनिट लेंथ हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, तो ये एक्स रेडियन, तो एक्स के सामने वाला हमारा क्या हो जाता है लंब हो जाता है, और ये हम लोग मान के चलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट बी है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर, अच्छा जब जब थीटा हमारा क्या होगा लगभग 0 होगा तो ट्रेंगल हमारा क्या बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी 0, थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो ये पॉइंट हमारा पी यहाँ चला आएगा और इसका कोऑर्डिनेट 1, 0, और थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तो ये हमारा एक्स की वैल्यू 0 है वाई की वैल्यू 1, और थीटा की वैल्यू जब 180 होगी तो एक्स की वैल्यू -1 है वाई की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू जब 3π/2 होगी तो एक्स की वैल्यू 0 है वाई की वैल्यू -1, और 2π पे भी यही हो जाएगा, और जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट ये हमारा क्या बताता है कॉस एक्स के लिए उस एंगल के लिए, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या बताता है साइन एक्स के लिए। अब हम लोगों ने एक फार्मूला अपना देखा जो बना हम लोगों का बनाया था कि साइन 2nπ+x जो होता है हमारा क्या होता है ये साइन एक्स के बराबर हो जाता है, जहाँ एन क्या होना चाहिए एन बिलोंग टू जेड यानी एन पूर्णांकों का समूह है, और यही फार्मूला कॉस के लिए भी होता है, सबके लिए होगा साइन कॉस टेन सबके लिए होगा ये, क्योंकि कोई भी अनुपात आप निकाल रहे हो तो वही होगा एन बिलोंग टू जेड। अब हम लोग देखिए एक पॉइंट इसमें करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन एक्स बराबर 0 यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो कौन कौन से कोणों के लिए साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, साइन थीटा हमारा क्या है वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 हो रहा है, देखिए जब थीटा क्या है 0 तब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ भी वाई कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट -1 है, यहाँ 2π पे भी फिर हमारा क्या हो गया 0 हो गया, तो साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, साइन एक्स की वैल्यू 0 हो रही है देखिए एक्स बराबर क्या है हमारा 0 डिग्री पे हो रहा है, 0 डिग्री तो ये 0 है, उसके बाद क्या हो रहा है फिर पाई, एक्स बराबर 0 पाई पे भी हो रहा है, फिर ये घूम के जब 2π पे पहुंचेंगे तो 1, 0 पे पहुंच जाएंगे तब भी हमारा साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी 0 है हमारा पाई है या 2π है, या अब 2π एक चक्कर लगा के हम लोग यहाँ पहुंच गए, इसमें पाई और बढ़े 3π तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे साइन एक्स वाले 0 पे, तो यानी 2π हो या 3π हो या 4π हम लोग करेंगे तो यहाँ से एक चक्कर लगाना शुरू करिए 4π यहाँ से 2π और ये यहाँ 4π फिर ये पे पहुंच गई 4π भी पे भी 0 होगा, तो ऐसे ऐसे हम लोग एक एक पाई जुड़ते चले जाएंगे, तो अगर पूछा जाए और यही सेम हमारा क्या होगा माइनस के लिए भी होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप चलना शुरू करें
यहां से, तो जीरो पे तो हमारा जीरो है साइन एक्स, जब माइनस पाई आप चलते हैं, माइनस पाई चले तो इस पॉइंट पे त्रिभुज पहुंचेगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। यानी यही हाल हमारा माइनस पाई पे भी होगा। माइनस टू पाई कहाँ पहुंचेगी, माइनस टू पाई जब चलेंगे, यहाँ से चलना शुरू किए माइनस टू पाई पे, आप उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे साइन एक्स जीरो है। माइनस थ्री पाई पे भी यही होगा, माइनस फोर पाई पे भी यही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पूछा जाए साइन एक्स बराबर जीरो है, यानी उस कोण का मान बताओ जो साइन में रखने पर उतना एंगल साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो हम लोगों को यहाँ के मिला कि साइन एक्स बराबर जीरो होता है कब। अब इन सारी वैल्यूज को हम लोग इकट्ठा लिख लेते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे जीरो पाई टू पाई थ्री पाई माइनस पाई माइनस टू पाई, एक वर्ड लिखते, एक जो है लिखते हैं जिससे पूरा जो है आ जाए हमारा। तो मैथमेटिकली इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये पाई का क्या है, पूर्ण गुणज है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन एक्स इक्वल टू, यदि एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं एन पाई, एन पाई यानी पाई का गुणज है, और जहां एन क्या है, कोई पूर्णांक है, जहां एन कोई पूर्णांक है। पूर्णांक हमारा क्या होता है, पूर्णांक एन बिलोंग टू जेड, पूर्णांकों के समूह को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री ऐसे बढ़ता चला जाता है, इधर ऐसे पीछे घटता चला जाता है। तो साइन एक्स बराबर जीरो हमारा तो क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा एन पाई, इसका हल हो गया। यानी एन की वैल्यू जीरो रखोगे, जीरो पे एक्स बराबर जीरो पे साइन एक्स जीरो, एक्स बराबर एन बराबर वन रखे, एक्स बराबर पाई आया, पाई पे भी साइन एक्स की वैल्यू जीरो, ये आ गया हमारा। पुनः इसमें हम लोग कॉस एक्स बराबर जीरो अगर देखें कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कॉस एक्स बराबर जीरो, अच्छा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कॉस एक्स बराबर जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक्स की कौन कौन वैल्यूज के लिए। कॉस एक्स हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ जीरो है, यहाँ पे पाई बाई टू पे क्या है, जीरो है, एक्स बराबर पाई बाई टू पे जीरो है एक्स कोऑर्डिनेट। फिर क्या है, ये यहाँ पे यानी यहाँ से घूम के आए तो ये पाई प्लस पाई बाई टू यानी थ्री पाई बाई टू पे भी जीरो है। फिर एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे जीरो है, फिर यहाँ से चलना शुरू किए पूरा, फिर ये टू पाई प्लस पाई बाई टू यानी फाइव पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू पे भी जीरो है, ये ऐसे हो गया। और यही हाल हमारा माइनस में, जब उल्टा चलेंगे तो भी हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस फाइव पाई बाई टू, ये एक्स की वैल्यू हो गई, जहाँ पे क्या है कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ये देखिए हमारा क्या है, पाई बाई टू का जो है विषम गुणज है, कहाँ कॉस एक्स जीरो होता है, विषम गुणज है। देखिए विषम पाई बाई टू का विषम गुणज, मतलब वन गुणे पाई बाई टू, थ्री गुणे पाई बाई टू, फाइव गुणे पाई बाई टू, या माइनस में भी वही हाल है। तो ये हमारा कॉस एक्स बराबर जीरो कब होगा, जब एक्स हमारा क्या होता है पाई बाई टू का विषम गुणज, यानी विषम संख्या हम लोग क्या लिखते हैं, टू एन प्लस वन, जहां एन क्या है हमारा इंटीजर होगा, एन हमारा इंटीजर होगा। तो ये बात समझ में आया हम लोगों को कि साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है, एन पाई पे, और एन की वैल्यू क्या होती है, पूर्णांकों में से कोई भी, और कॉस एक्स कहाँ जीरो होता है, पाई बाई टू के विषम गुणज। ये पाई बाई टू गुणे एक लिखा है, ये पाई बाई टू गुणे तीन, ये पाई बाई टू गुणे पांच, और विषम में प्लस माइनस दोनों वाले आ गए, इसीलिए हमारा ये एन की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाएंगे ये वैल्यू हमारी मिलती जाएगी। तो कॉस एक्स बराबर जीरो से हम लोगों को क्या मिला, ये मिला। ये समझ में आया होगा कि ये फार्मूला क्यों यूज किया जाता है, ये फार्मूला कहाँ से आया। अब हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं कि एक पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट इसमें होगा कि अगर अब हम लोग और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या डिफाइन करते हैं, टैन एक्स जो हम लोग परिभाषित करते हैं, टैन एक्स हमारा क्या होता है, साइन एक्स अपान कॉस एक्स होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जहां कॉस एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वहां टैन एक्स क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। हम लोग ये बोलें कि जब
जब कॉस एक्स का मान कॉस एक्स बराबर 0 तब ये टेन एक्स है, तब टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो तो बटा 0, ये हमारा क्या हो जाता है अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग डिफाइन नहीं है। यानी टेन एक्स जो होगा वो साइन एक्स अपान कॉस एक्स होगा, लेकिन कॉस एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यानी टेन एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हमेशा नहीं होता। कहाँ नहीं होता, जब कॉस एक्स की वैल्यू जिस एक्स के लिए कॉस एक्स 0 होता है उस एक्स के लिए टेन एक्स बराबर साइन एक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि कॉस एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और कॉस एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए यानी एक्स की वैल्यू पाई बाई टू का विषम गुणज नहीं होना चाहिए। एक्स किसको क्या बोल सकते हैं, पाई बाई टू का विषम गुणज, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा होगा, कब होगा, टेन एक्स बराबर साइन एक्स अपान कॉस एक्स कब होगा, जब कॉस एक्स की वैल्यू 0 ना हो, या हम लोग ऐसे बोलें कि एक्स की वैल्यू जहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू, और n क्या है हमारा इंटीजर है, ये हमारा टेन एक्स का डेफिनेशन हुआ। कि हमेशा हम लोग जो है टेन एक्स बराबर साइन एक्स अपान कॉस एक्स करते हैं, लेकिन जहाँ एक्स यानी उस कोण के लिए, जिन जिन कोणों के लिए कॉस एक्स का मान 0 हो जाता है, उन उन कोणों के लिए टेन एक्स बराबर साइन एक्स अपान कॉस एक्स फार्मूला होता ही नहीं है, गलत हो जाता है। और ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉस एक्स कहाँ 0 होता है, जब क्या होता है पाई बाई टू के विषम गुणज पे। तो ये अब हमारा टेन एक्स डिफाइन हुआ, ठीक है। साइन कॉस टेन, अब कॉट एक्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कॉट एक्स बराबर होता है हमारा कॉस एक्स अपान साइन एक्स। तो जब साइन एक्स बराबर 0 तब हमारा कॉट एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बटा 0 बराबर अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 0 से भाग परिभाषित नहीं है। यानी अब इसमें हम लोग कहेंगे कि कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होना चाहिए, लेकिन साइन एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 ना हो। और साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होती है, जब एक्स की वैल्यू एन पाई होती है। तो साइन एक्स 0 ना हो यानी एक्स की वैल्यू एन पाई के इक्वल ना हो, यानी एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, जहाँ एन क्या है हमारा इंटीजर है। ये हमारा कॉट एक्स का डिफिनेशन हो गया। कॉट एक्स बराबर हमेशा नहीं होता कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, जहां साइन एक्स 0 होता है यानी पाई के गुणज पे, एन पाई हमारा क्या है पाई का गुणज है, ये एन पाई को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा एक्स क्या है पाई का पूर्ण गुणज, जैसे 1 पाई 2 पाई -1 पाई -2 पाई 3 पाई। तो ये काट एक्स और टेन एक्स ये पूरी डिफिनेशन है हम लोगों की। अब साइन कॉस टेन कॉट हो गया, अब हम लोग एक और डिफाइन कर लेते हैं सेक और कोसेक। कोसेक एक्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्या होता है साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो जब साइन एक्स का मान अगर 0 है तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/0, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपरिभाषित। इसका मतलब कि जब साइन एक्स बराबर 0 तब कोसेक एक्स परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित हो जाता है। यानी कोसेक एक्स बराबर जब 1/sin एक्स आप लिखो, ये तभी हो सकता है कि जब साइन एक्स की वैल्यू 0 ना हो। यानी साइन एक्स कौन से एक्स के लिए 0 होता है,
एक्स इक्वल टू एन पाई, तो एक्स इक्वल टू एन पाई नहीं होना चाहिए, जहां एन क्या है, इंटीजर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कोसेक एक्स। जहां साइन एक्स 0 हो जाएगा वहां पे कोसेक एक्स अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कौन से कोण, पाई के कोण, गुणज वाले कोण के लिए कोसेक एक्स बराबर 1/sin x होता ही नहीं। सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x। जब कॉस एक्स 0 होगा तब तब सेक एक्स अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। यानी यहां से हमको समझ में आया कि सेक एक्स बराबर 1/cos x कब, जब कॉस एक्स की वैल्यू 0 ना हो, यानी सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x। और एक्स जो है, कॉस एक्स 0 कहाँ पे होता है, जब एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 का विषम गुणज होता है, यानी एक्स हमारा पाई बाई 2 का विषम गुणज नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, सेक एक्स का डिफिनेशन। तो ये जो पूरा बेसिक लगभग है आपका, इसी में पूरा सिमटा हुआ है आपका सारी चीजें जो हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लोग जो है कर चुके हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अगर इसमें दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों तरफ क्या कर दिया हम लोगों ने, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो अगर ये दोनों पहले बराबर थे तो किसी संख्या से डिवाइड करने पर भी बराबर होंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो ये पूरा फिर बटा को अलग अलग कर लेते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1/cos x। साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया। और 1/cos² हमारा क्या हो गया, सेक स्क्वायर, यानी 1+tan² x बराबर सेक स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला ये भी हम लोगों ने देख लिया कि ये भी होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, हम लोगों ने ये प्रूव भी किया है। अगर हम लोग जो है साइन स्क्वायर से इसी में डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दोनों पक्षों में करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, ये अलग अलग इसको हम लोग करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1/sin² हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1, और ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो 1+cot² x बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, ये भी हम लोग देख लिए। 1+cot² बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली हम लोग क्या देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हम लोग प्रूव कर चुके हैं। दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर से भाग दे दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर बराबर 1/cos² अगर पहले बराबर थे तो किसी संख्या से दोनों पक्षों भाग देने पे भी बराबर होंगे। अभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर अलग अलग डिवाइड कर दे, तो साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर 1/cos², साइन स्क्वायर अपान कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 बराबर 1/cos क्या होता है, सेक, तो 1/cos² सेक स्क्वायर, तो 1+tan² x बराबर सेक स्क्वायर एक्स। और जब हम लोग साइन स्क्वायर से डिवाइड किए तो 1+cot² बराबर कोसेक स्क्वायर। तो ये जो है ये फार्मूला भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो जो बेसिक था ये काफी ज्यादा हम लोगों का हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन जो होता है उसके चिन्ह कहाँ पे कहाँ बदलते हैं, कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस, इस बारे में बात किया जाए।